प्रश्नावली 3.6 2 जड़ों वाले रैखिक समीकरण की सबसे अंतिम प्रश्नावली तथा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली जिसमें इस प्रकार के समीकरणों को हल करना सीखते हैं। ये प्रश्नावली 3.6 के पहले का ही प्रश्न है। तो पहले इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखने पर देखेंगे, ये दो समीकरण दिए गए हैं 10/(x+y) + 2/(x-y) = 4। ये समीकरण एक, और दूसरा समीकरण है 15/(x+y) - 5/(x-y) = -2। ये समीकरण दो। समीकरण एक और दो दिए गए हैं, हमें इन्हें हल करना है। हम इसे सरलतापूर्वक हल नहीं कर सकते हैं कि तिर्यक गुणा करके इधर उधर करके हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे द्विघात समीकरण बन जाएगा। हमें एक चर वाले रैखिक समीकरण में ही इन्हें हल करना है। तो किस प्रकार से हल करेंगे? तो पहले दोनों समीकरणों में व्यंजक कुछ कॉमन आ रहे हैं, जैसे x+y इसमें भी है और x+y इसमें भी। पहले पद में दोनों में x+y है और दूसरे में भी x-y और दूसरे पद में x-y कॉमन है। तो यहां से पहले माना 1/(x+y) x+y को हमें हर में से हटाना है, तो हम मान लेंगे 1/(x+y) = p और 1/(x-y) = q। जब हम ये मानेंगे तब हमारा समीकरण क्या प्राप्त होगा? यहाँ से 1/(x+y) = p हो गया, तो 10p + 2q = 4। ये हो गया समीकरण तीन। इसी प्रकार समीकरण दो को जब हम इस प्रकार से स्थानांतरित करेंगे p से, तो 15p - 5q = -2। ये हो गया समीकरण चार। अब समीकरण चार में सरलतापूर्वक हल हो जाने जैसा दिख रहा है, तो इसको हल करेंगे। किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, बज्जगुणन। तो यहाँ से प्रतिस्थापन नहीं लगाएंगे क्योंकि वो बहुत लंबा चला जाता है, यहाँ वज्रगुणन विधि लगाएंगे। वज्रगुणन विधि द्वारा हल करने पर p बराबर हो जाएगा, जो यहाँ पे ax + by + c, तो यहाँ पे x का मान निकाल दे तो p का मान निकालेंगे, तो p बराबर हो जाएगा इस प्रकार का समीकरण था बज्जगुणन विधि से हल करने का, b1a2 अब इसी समीकरण में हम मान को रखेंगे। जैसे अगर मानक समीकरण से तुलना करें तो इसकी तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 = 0। तो इस चार को इस तरफ लाएंगे तो -4 हो जाएगा, मतलब c1 का मान -4, a1 का मान 10, b1 का मान 2। इसी प्रकार इसकी तुलना करेंगे तो a2x + b2y - c2 = 0। तो a2 का मान आ जाएगा 15, b2 का माना जाएगा -5 और c2 का माना जाएगा, ये -2 जब इधर पक्षांतरित होगा तो +2, c2 का माना जाएगा +2। अब इन मानों को हमें सीधे सीधे बस इसमें रखना होता है, तो p का मान ज्ञात हो जाएगा, p बराबर
यहाँ से B1 का मान क्या है? 2। C2 का मान वो भी 2। माइनस B2 का मान है -5 गुणे C1 का मान है -4। ए वन का मान 10 और B2 का मान -5। B1 का मान 2 और A2 का मान 15। P का मान यहाँ से ज्ञात हो जाएगा 4 माइनस 5 चौका 20, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये माइनस ही रह जाएगा 20, प्लस और माइनस माइनस, बटे 10 बचे 50, माइनस 50 माइनस 30, P बराबर आ जाएगा -16/-80। ये कट जाएगा तो ये माइनस और माइनस प्लस, P बराबर आ जाएगा 1/5। P बराबर आ गया 1/5। अब P के मान की सहायता से Q का मान ज्ञात करना है। तो P का मान अगर समीकरण 3 में रख दें या 2 ही में रख दें, समीकरण 3 से, समीकरण 3 है 10P प्लस 2Q बराबर 4। 10P P + 2Q = 4। 10P की जगह रखना है 1/5, तो 10 × 1/5 + 2Q = 4। एक 2 बार में और 2Q बराबर आ जाएगा, ये 4 इधर 2 पक्षांतर हो जाएगा, तो 4 - 2, 2Q बराबर आ जाएगा 2। यहाँ से Q का मान आ जाएगा 1। इस प्रकार P और Q का मान पता चला है। अभी हमें X और Y का मान नहीं पता चला, तो हमें P और Q की सहायता से X और Y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से Q का मान आ गया है 1, P का मान आ गया है 1/5। यहाँ पे हमने माना था 1/x + y = P तथा 1/x - y = Q। ये हमने माना था और मान के P और Q का मान निकाला था, जहाँ P का मान आया 1/5 और Q का मान आया 1। अब P का मान हमें यहाँ पे सीधे सीधे रख देना है, तो 1/x + y = 1/5 और यहाँ पे 1/x - y = 1, या इसको 1/1 भी लिख सकते हैं। अब सीधे सीधे अगर तुलना कर दे, दोनों हर में हैं, दोनों के अंश 1 हैं, तो यहाँ से x + y = 5 और x - y = 1। अब ये फिर से समीकरण बन गए, इसको समीकरण A और इसको समीकरण B मानेंगे और मान के हल करेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ से x - y = 1। सीधे सीधे कर दे तो y से y कट जाएगा, x और x 2x = 5 और 1 6। x का मान आ गया 3। अब x का मान समीकरण किस 1, 2 या a और b किसी में रख सकते हैं, तो समीकरण b में रखने पर (3 - y = 1), y को इस तरह पक्षांतर करके 1 को इस तरह पक्षांतर कर दे, तो y बराबर आ जाएगा 3 - 1, y = 2। इस प्रकार
इन समीकरणों को हल करते हैं। इन समीकरणों को डायरेक्टली हल नहीं करना होता है, मानना होता है जब हर में दिख जाए x बटे वाई या एक्स वाई एक्स प्लस वाई, तो इस प्रकार के समीकरणों में मान के हल किया जाता है, फिर पुनः समीकरण बना के हल करते हैं।